सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में संडे के दिन हम लोग लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संडे के दिन पोषण ट्रैकर ऐप में जो है AWC स्टेटस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है क्लोज, और आप लोग जैसे ही होम पेज पे क्लिक करके जो लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है इसको आप लोग ओपन करके लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो आपका बार बार जो डाटा है वो सिंक होकर इस प्रकार से AWC स्टेटस वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आज सिर्फ आज ही ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि संडे के दिन जो डाटा है वो सिंक होकर यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे आप लोग जो लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन है वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ऊपर से काफ़ी सारे दबाव भी मिल रहे हैं कि जितना जल्द हो सके लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन कम्प्लीट कर लिया जाए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ से होम पेज पे आके जो लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन है यहाँ से हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे होम पेज के बगल में एक लाभार्थी का एक ऑप्शन दिया गया है, एक मॉड्यूल दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो भी लाभार्थी है उनका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बारी बारी से जाके जो लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि होम पेज पे क्या था कि मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए जाते थे तो वहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है जहाँ पे जितने भी लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन पेंडिंग है वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग एक एक करके लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन संडे के दिन आप लोग उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिशरी वाली कैटेगरी में आके एक एक नाम सर्च करके यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन करना है तो उस कैटेगरी को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जिस लाभार्थी या जिस बच्चे का हमें मोबाइल वेरिफिकेशन करना है उसके नाम पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सत्यापित करें, यानी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उस लाभार्थी के या उस बच्चे के पेरेंट्स का यहाँ पे नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे OTP भेजे वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जैसे ही OTP भेजेंगे तो उस लाभार्थी के मोबाइल पे OTP चला जाएगा और आप लोग यहाँ से मोबाइल वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। बाय द वे, अगर किसी लाभार्थी का मोबाइल जो है बंद हो चुका है, नंबर गुम हो चुका है, तो उस लाभार्थी के जगह पे उसके घर के किसी भी सदस्य का नंबर आप लोग यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं और उस नंबर पे OTP भेज के आप लोग आसानी से जो यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आज के दिन आप लोग यहाँ पे कीजिएगा तो जितने भी लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अदर काम भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि होम विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में जाके और भी जो काम होता है यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग यहाँ पे होम पेज पे आके जो काम होता है वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम के अनुसार ही यहाँ पे इस प्रकार से इसको सेट किया गया है कि संडे के दिन आप लोग यहाँ पे होम पेज पे जाके कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि संडे के दिन किस प्रकार से आप लोग जाके लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।